हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पाउडर्स मेथड। पहले हमने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें ब्रैग्स मेथड डिस्कस करा था और लॉज मेथड डिस्कस करा था। ये तीनों ही मेथड एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेथड्स हैं बाय द क्रिस्टल। इससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं हमारे क्रिस्टल की। तो आइए हम शुरू करते हैं विद द वीडियो। सो पाउडर्स मेथड क्या डिस्कवरी तो इसने की थी, दैट वॉज डिवेलप्ड बाई डिबे एंड शेरर इन 1916। और इसको इंडिपेंडेंटली हुल ने डिस्कवर किया था इन 1917 में। मतलब इसकी और डिवेलपमेंट 1917 में हुल ने दे दी थी। एंड ब्रैग्स मेथड में हम देखते हैं कि एक सिंगल लार्ज क्रिस्टल रिक्वायर्ड होता है, जो कि कई बार डिफिकल्ट भी हो जाते हैं ऑब्टेन करने के लिए। बट और एक और बात है कि इसको हम एक सूटेबल एक्सिस पर रोटेट करना चाहिए इसको, राइट? हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम इसको सूटेबल एक्सेस पर रोटेट करें। बट लेकिन पाउडर मेथड में क्या होता है, हमारे पास जो सैंपल होता है उसे हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं इन अ स्मॉल थिन वॉल्ड ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब में, एक छोटी सी ग्लास ट्यूब में हम ये पाउडर फॉर्म में इस क्रिस्टल को लेते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पर कोई भी रोटेशन नहीं चाहिए। जैसे ब्रैग्स मेथड में तो रोटेशन चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं चाहिए। बस रोटेशन इसलिए चाहिए ताकि हमारे सारे क्रिस्टलाइट्स जो हैं, स्मॉल क्रिस्टल जितने भी हमारे पाउडर में, वो सारे रैंडमली ओरिएंट हो जाएं, कि सारे इधर उधर ओरिएंट हो जाएं, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट ना हो। तो पाउडर्स मेथड का अगर प्रोसीजर देखा जाए तो यहाँ पर इसका बहुत अच्छे से एक फिगर में एक्सप्लेन करा गया है इसका प्रोसीजर। तो पहले क्या होता है, हमारे पास जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज तो हमें पता ही है, टंगस्टन फिलामेंट से हम एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज जो है वो हम फोकस करते हैं ऑन द सैम्पल। कैसे फोकस करते हैं, हमारी जो एक्सरे बीम होती है उसको हम पास करवाते हैं फ्रॉम अ फिल्टर, ठीक है? यहाँ पर एक फिल्टर है, ठीक है? इसको हम स्लिट्स में से पास करवाते हैं, फिर ये एक एंगल जो है उस पर सैंपल पर जो है प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जब ये फोकस होता है तो जो एक्सरेज होती हैं वो कुछ ना कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो वो जो एंगल पर डिफ्लेक्ट होती हैं दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन द एक्सरे फिल्म या फिर फोटोग्राफर फिल्म। सिंस इन द पाउडर द क्रिस्टल प्लेन्स ऑफ डिफरेंट स्मॉल क्रिस्टल्स आर ओरिएंटेड एट ऑल पॉसिबल एंगल्स टू द बीम। सो सारे पॉसिबल एंगल्स पर हमारे स्मॉल क्रिस्टल्स ओरिएंट हुए होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हमारे क्रिस्टल प्लेन्स पड़े हैं। तो बहुत क्रिस्टल्स होंगे, जो कुछ क्रिस्टल जो होंगे उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, देयर विल बी ऑलवेज सम क्रिस्टल्स, कुछ क्रिस्टल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी विच विल हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमम बनेगा, मींस द लाइट इज़ फोकस्ड ऑन दैट पार्ट ओनली फ्रॉम द प्लेन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर सारी ही एक्सरे जो है वो फोकस हो जाएंगी। तो इन प्रिंसिपल ईच सेट ऑफ एच के एल प्लेन्स विल गिव राइज टू डिफ्रैक्शन कोन। अगर देखा जाए तो सारी एच के एल प्लेन्स जो होते हैं, मतलब हमारे थ्री टाइप्स के प्लेन्स जो हैं, वो हमारी डिफ्रैक्शन कोन को ओरिजिनेट कराएंगे फ्रॉम द पाउडर। तो इससे एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जैसे हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो बहुत सारी कंसेंट्रिक कोन्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे ये वाली फिगर में देखिए, आपके पास एक पिंक कलर की कोन है और एक ग्रीन कलर की कोन है, ये हमारी फोटोग्राफर फ्रेम के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है? तो लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक कोन जो है प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन्स। तो ये सेटिस्फाई करता है ब्रैग्स लॉ को कि डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन जो है डिफरेंट कोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? इतना आपको समझ लगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं। अब हमें पता है ईच कोन विल मीट दी फोटोग्राफर फिल्म एट टू पॉइंट्स, ठीक है? तो कोन जो है वो तो पूरा सर्कल है, पर लेकिन फोटोग्राफर फिल्म तो छोटी सी है। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक फोटोग्राफर फिल्म मैंने ऑरेंज कलर की यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है? ये तो छोटी सी फिल्म है, पर लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़ा जो है कोन बनाऊँ तो वो तो इसके ऊपर पूरी नहीं आएगी। तो सिर्फ दो पॉइंट्स पर ये कोन जो है मीट करेगी, तो इसे हमारे पास दो लाइंस बन जाएंगी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से इक्वल डिस्टेंस पर दो लाइंस लग जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये वाला ब्लैक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है। और अगर एक कोन जो है उसका प्रोजेक्शन कैसे होता है, सर्कल की तरह होता है ना, जैसे उसका लास्ट प्रोजेक्शन है। तो ये जो है सेंट्रल स्पॉट कहाँ से आता है, ड्यू टू अनडिफ्रैक्टेड बीम। और जो डिफ्रैक्शन की वजह से कोन आ रही है वो एक उसका जो लास्ट एंड होगा दैट विल बी लाइक अ सर्कल। तो यहाँ पर एक सर्कल बना के लिख देते हैं, तो ये एक सर्कल आ गया। तो देखो, ये जो वाइट मैंने ऑरेंज कलर का ये जो वाइट फिल्म है इसको कहाँ से कट हुआ है, इट इज़ ओनली कट एट टू लाइन्स, ठीक है? ये छोटी छोटी सी आर्क बन रही है। और अगर एक बड़ी कोन हो तो उसकी भी ऐसे आर्क बन जाएंगी, और बड़ी कोन हो तो आर्क बन जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी कंसेंट्रिक आर्क्स बन सकती हैं, ठीक है?
तो देयर विल बी दस अ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स और आर्क्स विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफर फिल्म। तो आप अकेली फिल्म को ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर वाले सर्कल को रहने दीजिए, नीचे वाले को भी रहने दीजिए, अकेली फिल्म को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स हमारी ऑब्टेन हो सकती हैं। एंड ईच पेयर ऑफ लाइन्स बींग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट। अगर सेंट्रल स्पॉट से आप डिस्टेंस मेजर करने लगे तो सारी की सारी जो है लाइन्स यहाँ पर इक्वल रहेंगी फ्रॉम दी सेंट्रल स्पॉट। तो इस तरीके से हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नीचे फिगर में दिया है कि 90 डिग्री लेफ्ट से 90 डिग्री राइट तक हमारे पास इस तरीके से ये कोण आ जाएंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री लेफ्ट का भी उन्होंने ड्रॉ करा पर लेकिन हमें 90 डिग्री से 90 डिग्री तक ही पता होना चाहिए। जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके आपको शो कर दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको ये ऑब्जर्वेशन क्लियर होगी इसकी। अब फर्दर, इफ़ द इंसिडेंट एंगल इज थीटा, तो जैसे पिछले पेज में हमारे पास देखा था कि हमारे इंसिडेंट एंगल अगर थीटा था तो रिफ्लेक्टेड बीम का एंगल क्या था, 2 थीटा विद अ डिफ्रैक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो इंसिडेंट बीम के हिसाब से 2 थीटा पर एक बीम रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लास्ट ये असाइन करेंगे मिलर इंडिसेस यहाँ से कि हमारा जो है नेक्स्ट हमारा जो है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करने हैं तो उसके मिरर इंडिसेस डिसाइन करेंगे। तो आफ्टर गेटिंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न नेक्स्ट स्टेप इज इंडेक्सिंग ऑफ लाइंस। मतलब हम लाइंस देखें कैसे हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स ओरिएंट हुए हैं इन द स्पेस। तो हम मिरर इंडिसेस असाइन करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दीज लाइंस। तो फॉर दिस पर्पज द डिस्टेंस ऑफ ईच लाइन फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट इज मेजर्ड। तो सेंट्रल स्पॉट जैसे हमारे पास आया था उससे जो भी हमारे पास जो आर्क्स आई थी उनकी लाइंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट बाई टेकिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स फ्रॉम द सेम कोन। तो सेम कोन से हमारी जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम ले लेते हैं बिटवीन द टू लाइन्स तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा सेंट्रल स्पॉट से मेजर हुआ डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रेडियस ऑफ फिल्म जो है हमारा आर है और तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2πr जो कि हमारा एक स्कैटरिंग एंगल बताएगा 360 डिग्री का। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है 2θ जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल था, 360 हमारा पूरा एंगल था। और अगर हमारे पास रिफ्लेक्टेड फिल्म का रेडियस आर है तो हमारे पास ये 2πr इसका जो है सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू लेके आ सकते हैं हमारे पास। तो जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो जब हम थीटा कैलकुलेट कर ले यहाँ से, ठीक है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं हम ब्रैग्स इक्वेशन से। तो 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा वाज़ द ब्रैग इक्वेशन। तो उससे हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है डी कैलकुलेट करना है। तो ऊपर इक्वेशन से हमने थीटा कैलकुलेट करा, नीचे वाली इक्वेशन से हमने जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करा। अब इस हिसाब से हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ सकता है बहुत इजीली। अब इस मेथड के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मतलब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, हम मेनली एडवांटेजेस देखेंगे इसके। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ऑब्टेन बाय द पाउडर मेथड आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। तो ये डिफ्रैक्शन मैथड जो है वो यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस का ही करेक्टरिस्टिक है। दैट मीन्स द पोजिशन ऑफ द लाइन्स ऑन द पैराग्राफ फोटोग्राफ डिपेंड अपॉन द स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल। जितनी ज़्यादा क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में स्पेसिंग होगी उतनी ही फोटोग्राफिक फिल्म पर लाइन्स की पोजिशंस डिफर करेंगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल जो है हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। फॉर दिस रीजन दिस मेथड इज क्वाइट ऑफन यूज एज अ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। तो हम क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस इस मेथड से करते हैं ताकि हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई कर सकें। और ये जो है सिंगल क्रिस्टल मेथड या फिर ब्रैग्स मेथड से बहुत ईजी मेथड है, इसलिए हम यही मेथड यूज़ करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा था हमारा पाउडर्स मेथड। In the next video, we will discuss about the next topic. Till then, stay tuned, do subscribe to the channel for more videos, and thanks for watching. Thank you so much.